हुई 31 जुलाई एंड आज है 30। और एक्चुअली जो मैंने आपसे बोला था कि कुछ प्लानिंग है, वही हम कहीं जाने वाले हैं, सो येस टुडे इज़ द डे जब मैं जा रही हूँ आज फाइनली दिल्ली दर्शन के लिए। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से। मुझे बोटानिकल गार्डन तक जाना है, फिर वहाँ से जो पहाड़गंज दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली रेलवे स्टेशन से वहाँ से जो दिल्ली दर्शन के लिए स्पेशल बसेज होती हैं, सो हमने उसको हायर किया हुआ है, ठीक है। सो अभी चलते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और वैसे भी बारिश जैसा मौसम है तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच गए रामकृष्ण आश्रम मार्ग। अभी मैंने बस में बोर्ड कर ही लिया है और इस पर चलने में अभी टाइम है, 9:30 बजे का टाइम था, बट अभी तो 45 भी होने वाला है, सो अभी तक तो चली नहीं है बस, देखते हैं। सभी पैसेंजर्स अभी आए नहीं हैं, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। उसके बाद ये बस डिपार्ट होगी और सबसे पहला पॉइंट मे बी बिरला टेम्पल ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आने से पहले मैंने देखे थे यार ब्लॉग्स वगैरह, सो सबसे पहला पॉइंट बिरला टेम्पल ही था, देखते हैं। सो सभी पैसेंजर्स आ चुके हैं और फाइनली हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है। सभी मंदिर के अंदर जिन मूर्तियों के दर्शन करेंगे वो है लक्ष्मी और नारायण। और दिल्ली के अंदर कुछ मॉन्यूमेंट ऐसे भी है, अगर मास्क नहीं है तो एंट्री भी नहीं मिलेगा। और किसी भी मॉन्यूमेंट के अंदर खाने पीने का सामान, स्मोकिंग आइटम, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ये फ्रंट लेफ्ट से सामने सब्वे बना हुआ है, सब्वे से नीचे उतर के आप लोगों ने रोड पार करना है। और मंदिर के अंदर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, और इन्हें आप लोगों ने गाड़ी के अंदर भी नहीं छोड़ना है। जब बिरला मंदिर के गेट के बाहर पहुंचेंगे, गेट के बाहर लॉकर बना रखा है, लॉकर में आप लोगों ने अपना कैमरा, मोबाइल, जूते, चप्पल जमा करना है, और ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। हम पहुंच गए, सो अभी हमारे स्टॉप फर्स्ट स्टॉप आया है बिरला मंदिर का। सो अभी इसको अंडरग्राउंड जाना है गाइस, ना अंडरग्राउंड यहाँ से रास्ता है जाने के लिए बिरला मंदिर, तो चल के देखते हैं। हमारी फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है, सो आई वॉन्ट बी एबल टू कैप्चर है, सो जितना भी होगा मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी बस, ठीक है। तो चलते हैं अभी नीचे। अभी मैं आ गई हूँ बिरला मंदिर में, मैंने इसको ब्लॉग में देखा था, मैंने इससे पहले कभी देखा ही नहीं इसको। तो ये है इसकी बिल्डिंग बिरला मंदिर की, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है और अपना जितना भी सामान है, सेल फोन वगैरह, बैग वगैरह, वो कुछ भी अलाउड नहीं है नीचे, तो उसको यहाँ पे लॉकर में डिपॉजिट करना। सो चलिए चलते हैं फिर मंदिर। यहाँ पर साई मंदिर भी है मे बी, और पंचमुखी शिवालय, साई मंदिर, साई धाम, और मेनली ये लक्ष्मी जी और नारायण जी का मंदिर है। सो अभी मैं आ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए, सो ब्रेकफास्ट में मैंने ऑर्डर किया है ब्रेड रोल, और ये कुछ चाट टाइप से है, इसमें चने की चाट है और आलू भी है और जितनी वेजीज होती हैं। सो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, और साथ ही चाय। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया था, वो टैक्स के अगेंस्ट ये आंदोलन शुरू किया गया था फ्रॉम साबरमती आश्रम गुजरात से, और सन 1930 में आंदोलन शुरू हुआ था, मार्च में शुरू हुआ था, अप्रैल 16 तारीख को ये आंदोलन खत्म हुआ था। और कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था साबरमती आश्रम गुजरात से दांडी तक, 241 माइल्स। ये लेफ्ट साइड सामने आ रहा 11 मूर्ति।
अभी हम पहुंचने वाले इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम. सो वहाँ पर मतलब इंदिरा गांधी से रिलेटेड चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने बतानी थी. मैं मेमोराइज नहीं कर पा रही हूँ, तो जो भी होगा मैं कैप्चर करूँगी. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेल फोन अलाउड हैं, सो मैं फ़ोन साथ ही ऑफ कोर्स लेके जाने वाली थी. वहाँ पर कैप्चर करूँगी एंड ऑफकोर्स आई विल तो मैं आ चुकी हूँ अपना दिल्ली दर्शन करके मस्त. ठीक है, सो अभी जल्दी से सामान डिसमेंटल कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ. और एक्चुअली मैंने एक पार्सल भी मैंने रिसीव किया है जो मैंने ऑर्डर किया था, इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं. अभी मैं कर रही हूँ डिनर. अभी टाइम हो रहा है 9:15, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी अब डिनर करने के लिए. मैं आई और मैं सो गई थी थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा काम किया मैंने. तो अभी 9:09 मैं आई हूँ नीचे डिनर करने के लिए. और डिनर में है आज दाल चावल. सो अभी मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, कल फास्ट भी है मेरा. सो डिनर तो करना ही था, स्किप नहीं कर सकती थी मैं तो, फिर कल भूख लग गई. तो खैर जो भी है, चलिए मिलती हूँ बाद.